ये कंपैरिजन 1 जनवरी 2020 से आज तक की है। ये पीरियड पसंद करने का कारण ऐसा है कि हम डाउनफॉल और अपमूव दोनों एक साथ देख सकें। 1 जनवरी से मार्च तक निफ्टी 38% डाउन था और ये स्टॉक 40-45% नीचे गया। ठीक है, सभी स्टॉक्स गिरे थे। शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने में स्टॉक का जवाब नहीं। लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने कैसा परफॉर्मेंस किया है वो देखते हैं। '11/2014 को शेयर प्राइस थी और इंडेक्स था। 6 साल बाद शेयर प्राइस थी और इंडेक्स था। लॉकडाउन में जब लोएस्ट पॉइंट पे मार्केट थी तब 23 मार्च 2020 को शेयर प्राइस थी और इंडेक्स था। और करंट प्राइस है और इंडेक्स है। अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टॉक में 4 बातें होनी चाहिए। 1, लंबी अवधि में शेयर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए। 2, जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा स्टॉक ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले। 3, जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा स्टॉक तेज़ी से रिकवर भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले। 4, हमारा शेयर अपने सेक्टर का टॉप शेयर होना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा शेयर निफ्टी से बेटर है या नहीं, यानी कि पहले 3 पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जाएंगे। अगर आपको सेक्टर का टॉप शेयर चुनना है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 1/1/2014 को 1 लाख रुपये इस शेयर में इन्वेस्ट किए। 6 साल बाद 1 जनवरी 2020 को इस शेयर में इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपये हो गए। मार्च में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई और करंट शेयर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1/1/2014 के दिन 1 लाख रुपये निफ्टी 50 शेयर्स में इन्वेस्ट किए। 6 साल बाद 1/1/2020 के दिन निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपये हो गए। मार्च 2020 में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई और करंट निफ्टी 50 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। निफ्टी में एप्रिसिएशन ज़्यादा हुआ है इसलिए फर्स्ट पॉइंट निफ्टी ने जीत लिया है। सेकंड पॉइंट निफ्टी ने जीता। थर्ड पॉइंट शेयर ने जीता। ओवरऑल शेयर जीता। यही फिगर्स चार्ट में देखते हैं। यही 1 लाख रुपए की अगर हमने 8% इंटरेस्ट से फिक्स डिपॉजिट की होती तो आज उसकी वैल्यू हो गई होती। एफडी के 8% के मुकाबले निफ्टी ने कितने परसेंटेज का रिटर्न दिया, ये शेयर ने कितने परसेंटेज का रिटर्न दिया। आज अगर किसी को 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने हैं तो वो क्या करे? ये स्टॉक में इन्वेस्ट करे, निफ्टी 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे या एफडी में इन्वेस्ट करें। ये शेयर के और निफ्टी के एन्युअलाइज्ड रिटर्न परसेंटेज हमने देखे हैं। वही रिटर्न परसेंटेज अगर भविष्य में भी कंटिन्यू होंगे तो 1 साल के बाद क्या होगा?
थैंक यू।